इतिका, हेलो गीतिका, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके ओके, ठीक है, ओके या कैन यू शेयर दिस एम्प्टीज, वन और टू एम्प्टीज, सो दैट वी कैन स्टार्ट एटलीस्ट, बिकॉज आई एम ओनली, यू आर द ओनली पार्टिसिपेंट. यस सर, आई शेयर द कमेंट। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू दिस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम. ऑन द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कमोडिटी फ्यूचर मार्केट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रोग्राम. सो बिफोर दिस स्टार्ट प्रोग्राम, I'd like to invite that you are in all, I request to you all be on mute during our program. If anyone have query, so please put the chat box. Our program will be question program. So basically disclaimer hai, jo bhi hum aage aage se aage ke session mein sunenge wo basically education purpose ke liye hi rahega. एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा. आपके कुछ क्वेरीज है इसके रिलेटेड, कोई भी रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर रेफर, तो आपको बिफोर इन्वेस्टिंग आप एक बार प्रोफेशनल एडवाइस लेना जरूरी है. यो तो आज के टॉप प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा. इन फर्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जानेंगे, उसके बाद कमोडिटी मार्केट इंडिया एज वेल एट के बारे में जानेंगे. आज कौन कौन से एक्सचेंजेस है जो फिलहाल यस सॉरी फॉर दैट. तो बेसिकली उसके बाद हम कौन कौन से एक्सचेंजेस फिलहाल इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में है, मेजर कौन कौन से कमोडिटीज फिलहाल एक्सचेंज में ट्रेडेबल है उसके बारे में जानेंगे, मेजर कौन पार्टिसिपेंट है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे जो कि आपको डेटी जो जो कि आपको ट्रेडिंग करने के हेतु काम आ सकते हैं. उसके बाद हम मैकेनिज्म आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कैसे आप काम कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. रोल ट्रेड फैसिलिटेटर ब्रोकर का क्या रोल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्टेक होल्डर रहेंगे उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे उसके बारे में जानेंगे. एंड देन फैक्टर अफोर्डिंग कमोडिटी ट्रेड एंड लास्ट में हम देखेंगे डूज एंड डोंट. सो बेसिकली तो इम्पोर्टेंस ऑफ
डेरिवेटिव अच्छे मतलब आज के सिस्टम में आप कमोडिटीज की क्या जरूरत है। डेफिनेटली हमने बहुत सारे कमोडिटीज में देखा है कि जहाँ पे हमने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है वो कहीं ना कहीं किसानों को मिल नहीं पाती है, तो किसानों के लिए एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो एक माध्यम चाहिए जहाँ पे वो अपना माल को बेच सके, अपार्ट फ्रॉम द जो ट्रेडिशनल एपीएमसी सिस्टम्स है एंड जो बीच में है दलाल है जहाँ पे उनको मैक्सिमम उनको डिपेंड करता। तो ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वो सेल्फ सफिशिएंट होके अल्फा मार्केट में बेच सके, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डेरिवेटिव मार्केट्स की क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस है। डेफिनेटली हमने बहुत बार देखा है कि जो हायर पुट होता है वो डेफिनेटली जो हायर पुट होता है इट्स एसोसिएटेड विद हायर कॉस्ट। डेफिनेटली जो मैक्सिमम यील्ड बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स के इस पर डिपेंड होता है, बट जरूरी नहीं कि उसका अपने उचित दाम मिले। तो एक मार्केट में बहुत सी अनसर्टेनिटीज रहती है। उसके अलावा मार्केट में काफी सारी चीजें होती है जो कि हमने बहुत बताया काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए आपके तो, और रेगुलेटरी टर्म्स में जहाँ पे ऑल सेट ऑफ पार्टिसिपेंट एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड कर सके। यस, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डेरिवेटिव मार्केट से कहीं ना कहीं एक आपको प्राइस वोलेटिलिटी के अगेंस्ट एक सेफगार्ड क्रिएट करता है, और वो किस लेवल पे एंड किसका बेनिफिट कैसे सकते हैं वो आने वाले टाइम आने वाले हम प्रेजेंटेशन में सुनेंगे। या तो इन शॉर्ट में हम देखेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानेंगे, कमोडिटीज का डेफिनेशन क्या है, जिसकी वैल्यू अंडरलाइन कमोडिटीज पे डिपेंड होते हैं उसको हम इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बोलेंगे तो कमोडिटीज कमोडिटीज बोलते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव्स की एक सिंपल व्याख्या है, उसमें टेंजिबल गुड्स आते हैं। बेसिकली एज ऑन टुडे हमें 91 कमोडिटीज को परमिशन मिला है कि जहाँ पे आप एक्शन फ्यूचर प्लेटफॉर्म तो आप उसको ट्रेडेबल कर सकते हो, बट आउट ऑफ 91 एज ऑन टुडे सिर्फ 40 कमोडिटी है जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज में फिलहाल ट्रेडेबल है। सो अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज पे टॉप एक्सचेंज पे जुड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। बेसिकली आपको सेबी रजिस्टर रहते हैं उनके थ्रू जाके आपको ऐसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एज वेल एज डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स उसको साइन अप करना पड़ेगा। केवाईसी नो योर क्लाइंट जहां पे जो भी आप सिंपल जो बैंक खाता खोलने के जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लाइक पैन कार्ड आधार एड्रेस प्रूफ, तो वो सिंपल डॉक्यूमेंट देख के आप स्टॉक किसी स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पे आपको खाता खोल सकते हैं। बाद आप एक बार खाता खोलने के बाद आपको जरूरत पर एज अ ब्रोकर मार्जिन के बाद आपको एज वेल एज ईएम अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसके थ्रू आप खरीदारी कर सकें। अभी तक हमने क्या है कमोडिटी डेरिवेटिव्स का, इसमें हमने देखा कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स के इसके अलावा टॉप 91 कमोडिटी के बाद हमने करेंगे तो में जहां पे कार्गो बोशन क्या यहां पे फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर
start 7 में अपडेट्स वहां 7 मेजर जहां पे सी को एंड टू आए तो करेंगे तो 18 से क्या यहां पे कैडा से यहां सब 52 में और किचन है सी वो हुआ और रिएक्ट पास हुआ 1953 में अफ्रीका नॉर्मली सेटअप हमें आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 5 years 1962 ट्रेडिंग देन यस तो यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन चैट बॉक्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सेबी ने कमोडिटी एक्सचेंज को कौन से साल से रेगुलेशन करना चालू किया. तो फर्स्ट ऑप्शन है 1992, सेकंड है 1953, थर्ड है 2015 एंड फोर्थ है 2003. सो आई थिंक इसके पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सेबी ने जो है ऑल कमोडिटी एक्सचेंज है उसको 2015 से रेगुलेशन करना स्टार्ट कर दिया है. तो इसका आंसर है सी 2015 से सेबी ने ऑल एक्सचेंज ऑल कमोडिटी एक्सचेंज को रेगुलेशन रेगुलेट करना चालू किया. उसके पहले एफएमसी जो थे जो रेगुलेट कर रहा था. सो दीज आर द मेजर एक्सचेंजेस जो फिलहाल एक्टिव है जिसमें एनसीडीएक्स है जहाँ पे हमने देख सकते हैं कि मैक्सिमम एग्रीकल्चर कमोडिटीज का ट्रेड किया जाता है. मैक्सिमम एनसीडीएक्स का मैं ओवरऑल बस ओवरऑल कमोडिटी कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करूंगा तो एग्रीकल्चर में एनसीडीएक्स का ऑलमोस्ट 80 to 85% शेयर है. मल्टी एक्सचेंज में जहाँ पे हमने देखा है कि मैक्सिमम बुलियंस एंड मेटल्स का मैक्सिमम ट्रेडिंग की जाती है एंड अनदर है आईसीएक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हाल ही में लास्ट 2 साल से बीएससी एज वेल एज एनएससी ने भी कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में एंटर किया है जहाँ पे कुछ एग्री एज वेल एज नॉन एग्री कमोडिटीज ने फिलहाल दिया वो उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग अवेलेबल है. सो अभी इस स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से कमोडिटी फिलहाल एक्शन माध्यम से आप ट्रेडेबल कर सकते हैं. उसमें आप बार्ले, कैस्टर सीड, चना, कॉटन सीड ऑयल केक, कोरिएंडर, गवार सीड्स, कपास है, अरेम सीड है, शुगर, सोयाबीन एंड आप उसके उसके बाद आप रिफाइन है, टर्मरिक है, वीट है, कॉटन है, पेपर एज वेल एज बाजरा. ये सब एक कुछ कमोडिटीज है जहाँ पे आप एज अ इन्वेस्टर, एज अ क्लाइंट, एज अ हेजर, एज अ स्पेकुलेटर आप अपना खाता खोल के काम कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट और बाकी एक्सचेंजेस है जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स का भी काम किया जाता है. ये सब सिर्फ सिर्फ
एग्री कमोडिटीज की लिस्ट है। इसके अलावा भी मेटल्स एज वेल एज प्रेशियस मेटल्स में भी आप काम कर सकते हैं, फ्यूचर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। या सो एक्सचेंजेस में कौन कौन से टाइप्स के पार्टिसिपेंट होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पेकुलेटर। तो डेफिनेटली आप इसमें सिंबल से आपको पता चल रहा है कि स्पेकुलेटर जो ऐसा सेट ऑफ पार्टिसिपेंट होता है उसका वन काइंड ऑफ इन्वेस्टर बोल सकते हैं कि वो मार्केट में कहीं ना कहीं स्पेकुलेट स्पेकुलेट या तो कुछ व्यूज लेके मार्केट में एंटर करता है, तो उसको हम स्पेकुलेटर बोल सकते हैं। और दूसरी सब सिंपल भाषा में बात करो तो स्पेकुलेटर ऐसा क्लास होता है जो उस कमोडिटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील नहीं करता। जैसे कि मैं बात करूंगा तो फार्मर, जहाँ पे वो वीट, कैस्टर सीड, जीरा खुद बोता है एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग वो मार्केट में सेल करता है। तो किसान किसान के लिए कहीं ना कहीं जीरा कैस्टर डायरेक्टली रिलेटेड है। वैसे ही उसका काउंटर पार्टी बात करूंगा तो प्रोसेसर्स जो होते हैं, जो जीरा कैस्टर को परचेस करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक के लिए सेल करते हैं। तो ये जो क्लास है उसको डायरेक्टली रिलेटेड है कम्युनिटीज, बट स्पेकुलेटर ऐसा क्लास है जो डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। वो सिर्फ मार्केट में एज अ इन्वेस्टर मार्केट में व्यूज लेके आता है, उसके व्यूज के हिसाब से ट्रेड करता है, उसके व्यू के हिसाब से मार्केट से एग्जिट करता है, तो उसको हम स्पेकुलेटर बोलते हैं। हेजर जो अनदर क्लास है जहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया है कि जिस कमोडिटी को एक्चुअली से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम फार्मर से उसके गुड से रिलेट कर सकते हैं, कैस्टर जीरा जहाँ पे वो खुद अपने अपने खेत में लगाता है एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग होने के बाद वो उसके पैकेजिंग करके एपीएमसी जाके बेचता है, तो उसके प्राइस से उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, प्राइस अप अप डाउन वोलेटिलिटी भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो हेजर रहेगा। उसके अलावा सेकंड क्लास हेजर में और भी बात करूंगा, जो मार्केट मंडीज में जो ट्रेडर, स्टॉकीज, प्रोसेसर्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ये जो पार्टिसिपेंट है, क्योंकि वो जो तो वो ये जो पार्टिसिपेंट एक्चुअली इस कम्युनिटी में डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्लास उन पार्टिसिपेंट को हेजर बोलते हैं। तो हेजर का मेन काम है कि आप हेजर्स कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को दिन ब दिन ट्रेड करते हैं, दिन ब दिन स्टॉक करते हैं, दिन ब दिन इस वक्त उसको यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका बिजनेस एक्टिविटीज में उसका मेन रोल होता है, तो उस क्लास को हेजर बोलते हैं। आर्बिट्राजर्स इसका मतलब आर्बिट्राजर्स में भी स्पेकुलेटर में भी इन्वेस्टर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है और अदर कोई इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट हो सकता है, जो कि सिर्फ दो मार्केट का बेनिफिट उठाने के लिए मार्केट में एंटर करता है, उसको हम आर्बिट्राजर बोलते हैं। तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल दू तो जहाँ पे हमने हम हर साल जहाँ पे स्पॉट और जो हमारा वायदा बाजार है उसमें कभी भी कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जहाँ पे वो स्पॉट में उसको कहीं कुछ गुड्स सस्ता मिल रहा है और फ्यूचर में थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी के ऊपर के रेट में सेल, उसके प्राइस से ऊपर रेट में सेल करने का, इस अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं फायदा उठाने का जो पार्टिसिपेंट आगे आता है उसको हम कहीं ना कहीं आर्बिट्राज बोलते हैं। तो ओवरऑल तीन पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं, हेजर्स, आर्बिट्राजर्स एंड स्पेकुलेटर। ये तीनों पार्टिसिपेंट है एक्शन में अलग अलग क्या ऑब्जेक्टिव से एंटर करते हैं एंड एग्जिट भी करते हैं। सो अभी हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, विच आर द गिवन फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। सो एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सो वेदर कंडीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सी चेंज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी और डी है ऑल द थ्री। सो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शायद ओके वो इसका आंसर चैट बॉक्स थ्रू दे सकते हैं, नहीं तो आइदर अनम्यूट करके भी दे सकते हैं। या सो बेसिकली इसका आंसर है डी ऑल द थ्री। तो बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ये साबित तीनों फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, वेदर कंडीशन जहाँ पे ज्यादा कम बारिश के चलते कहीं ना कहीं यील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस साल का प्रोडक्शन एस्टिमेट कम ज्यादा होना वो भी इम्पैक्ट करता है, चेंज इन इंपोर्ट पॉलिसी के चलते भी हमने प्राइजेस पे इम्पैक्ट होते हुए देखा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, दीज आर द कंपोजिशन ऑफ डेरिवेटिव्स कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम। फर्स्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अभी फिलहाल इंडिया में 5 एक्सचेंजेस है जहाँ पे
कमोडिटीज ट्रेडिंग की अलाउ किया है NCDEX, NCDEX, MCX, NSE, BSE एंड ISIC, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस, इनका मेन दायित्व होता है कि KYC मेंटेन करना, अकाउंट ओपन करना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को एनरोल करना, ये जो ऑल अ सेट ऑफ जो रोल होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कुछ सेबी ने रेगुलेट करने के बाद एक सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि अर्लियर जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे खुद ट्रेड्स को खुद क्लियर करते थे. इसका मतलब है कि जो हमारा फंड का इन आउट है, फंड्स का पे इन फंड पे आउट एज वेल एज उसका जो फिजिकल डिलीवरी का सेटलमेंट जो होता था, डिलीवरी पे इन पे आउट, वो जो डिपार्टमेंट था वो खुद कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंडर था. बस सेबी के आने के बाद कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज एक्शन इकोसिस्टम से बाहर चाहिए, तो कहीं ना कहीं सेबी के इंस्ट्रक्शन चलते हैं. फिलहाल जितने भी स्टॉक एक्सचेंज उनके जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो अलग बॉडीज है, जैसे कि NCDEX का NCCL है, MCX का MCXSL है, तो ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो अभी स्टॉक एक्सचेंज से हटके एक अलग एंटिटी है जो कि आपके जो ट्रेड्स होते हैं बेसिकली फंड्स पे इन पे आउट एंड आपका जो फिजिकल आपका कोई गुड्स फिजिकल डिलीवरी में जाता है तो उसको सेटल करने का कहीं ना कहीं दायित्व क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का है. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का भी मेनली काफी अच्छा दायित्व होता है आपके फंड्स को मैनेज करना एज वेल एज आपके डिलीवरीज को सेटल करना. थर्ड पार्ट आता है कि रिपोजिटरीज, आपके फिजिकल जब भी कोई भी रिपोजिटरी, फिलहाल इंडिया में दो है, NERL और CCRL. इसका मेन दायित्व है कि आपके कुछ जो भी फिजिकल डिलीवरीज है उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करके उसको एक्शन माध्यम से ट्रेडेबल करना का दायित्व कहीं ना कहीं रिपोजिटरी का रोल आता है. तो रिपोजिटरी आपके गुड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर उसको डिलीवरेबल करना, ट्रेडेबल करना. उसके बाद एक बार आपने कोई भी चीज परचेस की है उसको विड्रॉल करने का जो भी फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल करने का कहीं ना कहीं जो ऑल प्रोसेस है वो रिपोजिटरी के अंडर आता है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट और स्टेक होल्डर्स है जैसे कि WSP, हमने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का ऑलरेडी देख लिया है. WSP जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर, NCCL अप्रूव्ड वेयर हाउस WSP होते हैं जहाँ पे आप बेसिस एज वेल एज हमारे जो एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे आप WSP के माध्यम से आप अपने गुड्स को एक्सचेंज स्पेसिफाइड क्वालिटी एज वेल एज क्वान्टिटी एज वेल एज पैकेजिंग टर्म्स में आप जाके एक्सचेंज WSP के यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं. WSP के बाद एक WDRA एडिशनल स्टेक होल्डर है. WDRA मतलब वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटर अथॉरिटी. जितने भी वेयर हाउसेस होते हैं WSPs के अंडर वो कहीं ना कहीं WDRA रेगुलेट होना चाहिए एज पर सेबी मैंडेटरी, क्योंकि WDRA ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया और वेयर हाउसेस के लिए जहाँ पे वो वेयर हाउस का सेटअप कैसा होना चाहिए, वेयर हाउस लोकेशन कहाँ होना चाहिए और वेयर हाउस के सराउंडिंग क्या डूज एंड डोनट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. लाइक वेयर हाउस के नज़दीक में पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, उसके बाजू में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स नहीं होना चाहिए. तो सब कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वेयर हाउसेस के लिए वो WDRA के तहत माना जाता है. तो एक एक्शन प्लेटफॉर्म पे जितने भी वेयर हाउसेस है वो कहीं ना कहीं WDRA रेगुलेटेड है. उसके अलावा क्वालिटी असेसिंग एंड टेस्टिंग लैब्स है. जो भी आप एक डिपॉजिटर अपने गुड्स को डिपॉजिट करते हैं उसकी क्वालिटी को जांचने की दायित्व क्वालिटी एसर एज वेल टेस्टिंग लैब की रहती है. स्पॉट पुलिंग एजेंसी एक्शन हर दिन मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग को हमारे जो मेजर सेंटर्स रहते हैं जहां से हम कॉइल्स को पुलअप करते हैं जैसे कि बेसिस एज वेल एज एडिशनल डिलीवरी सेंटर, उससे हम उस सेंटर के पार्टिसिपेंट को डेली हम एवरेज स्पॉट रेट होल्ड करते एंड वो एक्सचेंज के वेबसाइट पे टाइम टू टाइम डिस्प्ले करने का दायित्व कहीं ना कहीं स्पॉट पुलिंग एजेंसी का रहता है. उसके अलावा है FPO जिसको हम बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. एक कहीं ना कहीं
एक्सचेंज के माध्यम से काम करने के लिए जो केवाईसी का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है, तो एज अ इंडिविजुअल फार्मर को कहीं ना कहीं कभी कभार वो पॉसिबिलिटीज नहीं होता, बट एज पर कंपनी एक्ट, एफपीओ जो ऐसे संस्था है जहाँ पे कंपनी एक्ट थ्रू ही वो ओपन होता है, एंड आज के दौर में काफी सारा एफपीओ का हमारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। मैं क्वांटिटी टर्म में बात करूंगा तो एज ऑन टुडे ऑलमोस्ट 400 एफपीओज लगभग 16 सेट से 16 टेक के जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अभी फिलहाल एक्टिव है। काफी सारे एफपीओ ने एक्सचेंज माध्यम से अपने डिलीवरी की लेन देन की है, एंड उसके माध्यम से काफी अच्छा उनको प्राइस रिलेशन भी हो चुका है। सो एफपीओ का भी स्लोली ग्रेजुअली वो एक्सचेंज के तरफ उनकी रुचि बढ़ रही है। दे आल्सो वो भी खुद खुद के माल को सिक्योर कैसे करना, हेज कैसे करना अब खुद सीख रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है कमोडिटी एज वेल एज इक्विटी मार्केट के बारे में थोड़ा जानेंगे। अंडरलाइन की बात करूंगा तो कमोडिटी मार्केट में स्टैंडर्ड होता है एज पर एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन होता है, एंड इसकी कुछ सीमित एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि मैं बात करूंगा तो क्योंकि हर एक कमोडिटी का एक्सपायरी डेट होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो कहीं ना कहीं उसमें क्या पेरिशेबिलिटी के चलते उसके कहीं ना कहीं कंसर्न्स आते हैं, तो हर एक कमोडिटी का पेरिशेबिलिटी के चलते अलग अलग हमने एक्सपायरी उसको हम बोलते थे एक्सटेंड डिलीवरेबल डेट तय की है। एक कमोडिटी में पॉसिबल है, बट इक्विटी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही ट्रेड होता है, तो वो ऐसा उसके उसमें कुछ एक्सपायर ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन नहीं होता। अंडरलाइन मार्केट की बात करूंगा तो कमोडिटी मार्केट में काफी सारे फैक्टर्स है उसके चलते कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिविटी काफी हाई। स्वपेसिफिक लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बात करेंगे तो कंपनी फ्यूचर ट्रेडिंग को इंडिया में आओ करके ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, बटली कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एज कंपेयर टू स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन लो है, बट इक्विटी मार्केट में काफी अच्छा मैच्योर पार्टिसिपेशन हमने देखा गया है। सो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम ने दिखाया कि हमने एफपीओ के बारे में डिस्कस किया कि एफपीओ एक्शन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसा करके अपने प्राइस को लॉक करें एंड रिस्क को मिटिगेट करें।
इसके पहले आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि फार्मर को अपने स्मार्टफोन थ्रू उसको कहीं ना कहीं जिसके थ्रू वो अपने अपने गुड्स को एक एक अच्छी दाम में मार्केट में एज वेल एज मंडियों में बेच पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे एज अ फार्मर कैसे अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में दिखाया है कि किसान ने जहाँ पे किसान ने एट द टाइम ऑफ सोइंग एट द टाइम ऑफ सोइंग उसने क्या किया है कि अपने प्राइस को लॉक किया है। सो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राइस को लॉक किया है इन द सेंस कि एक्शन जैसे कि एनसेडेक्स प्लेटफॉर्म पे 2 से 3 महीने के 3 से 4 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट खुले होने के चलते एंड जो आपके किसान के हाथ में दिख रहा है कहीं ना कहीं वो पैडी एज वेल एज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तो एट द टाइम ऑफ सोइंग उसके हार्वेस्टिंग पीरियड के जो मंथ्स है वो खुले होने के चलते वो एट द टाइम ऑफ सोइंग ही अपने उसने प्राइस को लॉक किया है। सो एक बार लॉक प्राइस को लॉक करना इन द सेंस आप जितने उसके पास क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी वो फ्यूचर प्लेटफॉर्म से उसने अपने गुड्स को बेच के कहीं ना कहीं अपने गुड्स को उसने गुड्स को पहले ही हार्वेस्टिंग के पहले ही बेचा है तो मार्केट से ये जो ड्रॉप प्राइस ड्रॉप है उसको बचा जा सकता है। सोइंग के टाइम में कहीं अपने जो डाउनवर्ड रिस्क होता है वो तो छोटा सा प्राइस रिस्क मैनेजमेंट कैसे एफपीओज और फार्मर इस फ्यूचर प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन कर सकते जहां के अपना अपने गुड्स को वहां से। सो ये थर्ड क्वेश्चन है विच स्टॉक एक्सचेंज हैविंग मेजर शेयर इन ट्रेडिंग वॉल्यूम इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है एमसीएक्स, सेकंड है एनसीडेक्स, थर्ड ऑप्शन है एससीएक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है बीएसई। तो इसका इसका सही आंसर है एनसीडेक्स जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग शेयर एग्रीकल्चर कमोडिटीज का है। सो ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग सेंटर इसका डेफिनेशन की अपने जिस जिस सेंटर से हमने स्पॉट स्पॉट प्राइस को डिराइव करते हैं उसको बेसिस सेंटर्स बोलते हैं। हर एक कमोडिटीज का बेसिस सेंटर है। उस कमोडिटी के प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन के चलते हमने हर एक कमोडिटी को बेसिस सेंटर चुना है। एज वेल एज एडिसिस भी होते हैं जिसको हम एडिशनल रिलीव सेंटर्स बोलते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कैस्टर की बात करूंगा करूंगा तो जहाँ पे हमने
पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कैस्टर का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं गुजरात में होता है। एंड गुजरात में बात करूंगा तो डीसा एक जो सेंटर है जहाँ पे हमने हिस्टोरिकली देखा गया है कि मैक्सिमम वहाँ पे एक प्रोडक्शन सेंटर माना जाता है। तो कैस्टर के लिए डीसा एक डीसा बेसिस सेंटर है जिसके प्राइस के चलते फ्यूचर फ्यूचर प्राइस को डिराइव किया जाता है। एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम डीसा और भी सेंटर्स है जहाँ पे भी मेजर एक्टिविटीज कैस्टर से की जाती है। तो उसमें से पाटन है, कड़ी एज वेल भाबर है, एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स है। और एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स का इम्पोर्टेंस क्या है कि जहाँ पे उस सेंटर में के माध्यम से कहीं ना कहीं डिपॉजिटर्स है और सेलर है वो अपने गुड्स को डिपॉजिट कर सकता है एक्सचेंज एंड एग्रीगेट वेयरहाउसेस में। सो उसके बाद बेसिस वैरायटी एज वेल एज टेंडरेबल वैरायटीज हर एक कमोडिटीज में ऑलरेडी प्री डिसाइड सेट ऑफ बेसिक्स प्री सेट ऑफ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन होती है एज वेल एज वैरायटीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्काउंट डिस्काउंट इंट्रोड्यूस डिस्काउंट में भी कुछ वैरायटीज भी अलाउ किया है। तो उसको बेसिस वैरायटी एज वेल एज टेंडरेबल वैरायटीज बोलते हैं। ट्रेडिंग यूनिट एज वेल एज डिलीवरी यूनिट ट्रेडिंग यूनिट इसका मतलब है कि आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने के लिए आप लोग मिनिमम कौन से यूनिट्स में आप काम कर सकते हैं एज वेल एज डिलीवरी यूनिट। टिक साइज मतलब जो प्राइस आपको बिडिंग करनी है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने स्मॉल प्राइस पे अप एंड डाउन कर सकते हैं उसको टिक साइज बोलते हैं। एडिशनल सेंटर्स टाइमिंग ऑफ कमिसमेंट ट्रेडिंग 9 से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम कमोडिटीज 5 तक बंद होती है बट जो इंटरनेशनल लिंक कमोडिटीज है वो शाम को 9 रात को 9 बजे तक ही चलती है। क्वालिटी पैरामीटर्स हर एक कमोडिटीज का ऑलरेडी सेट अप क्वालिटी पैरामीटर्स एक अलग अलग कमोडिटीज के अलग अलग कमोडिटीज में सेटअप किया है वो एक्सचेंज की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। डिलीवरी स्पेसिफिकेशन की बात करोगे तो स्टैगर्ड विद कंपल्सरी डिलीवरी एज वेल एज कैश सेटल। सो ए डिलीवरी के टू टाइप्स है जहाँ पे कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आपको बायर्स एंड सेलर को एक बार स्टैगर पीरियड मतलब एक्सपायरी के 5 दिन पहले को हम स्टैगर पीरियड बोलते हैं। उस पीरियड में एक्चुअली आपका कोई भी पोजिशन ओपन रहता है तो वो पोजिशन कंपल्सरी डिलीवरी में कन्वर्ट होती है। एंड कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका मतलब है कि कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट जो भी सेटलमेंट होगा वो लास्ट दिन के FSP पे होगा। तो उसमें कुछ डिलीवरी का ऑब्लिगेशन नहीं है बट स्टैगर्ड विद कंपल्सरी डिलीवरी में डिलीवरी का ऑब्लिगेशन है। मैच्योरिटी डेट एंड ड्यू डेट। रिस्क पैरामीटर की बात करूंगा तो लिमिट ऑन ओपन पोजिशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कौन से भी स्टॉक एक्सचेंज पे काम करने के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय की है उसी दायरे में आपको काम करना पड़ता है। डेली लिमिट ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन एक्सचेंज एज ऑन टुडे 4 एनसीडी एक्सचेंज की बात करूंगा तो 4+2 का मैकेनिज्म सेट है जहाँ पे एनसीडीज की बात करूंगा तो एग्जाम्पल देना चाहूंगा जहाँ पे मैक्सिमम प्राइस फ्लक्चुएशन 6% का प्लस और डाउन होता है। कुछ एक ऐसे कमोडिटीज है जहाँ पे हमने 4% का स्लैब रखा है जैसे लाइक चना जहाँ पे हमने डेली प्राइस लिमिट का फ्लक्चुएशन 4% इधर अपसाइड उधर डाउन साइड की प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। मार्जिन की बात करेंगे तो इनिशियल मार्जिन एक्सट्रीम लॉस मार्जिन स्पेशल कैश मार्जिन डिलीवरी मार्जिन एज वेल एज डिलीवरी ट्रेड मार्जिन ये सब मार्जिन है जहाँ पे आप इनिशियल मार्जिन जहाँ पे आप मिनिमम पैसे देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इनिशियल मार्जिन एज वेल एज एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ये दो मार्जिन देख के कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करने से पहले ये दो मार्जिन देना पड़ता है। एंड FSC लास्ट है टर्मिनोलॉजी FSP जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस सेटलमेंट प्राइस जो कि लास्ट 3 जो हमारा एक्सपायरी डेट होता है उसके लास्ट 3 दिन के जो स्पॉट होते हैं उनके एवरेज प्राइस को हम फाइनेंस सेटलमेंट प्राइस बोलते हैं। इस प्राइस FSP के एक FSP जो आता है उससे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सेटल होते हैं उसको हम FSP बोलते हैं। एक कुछ बेनिफिट्स है फ्यूचर मार्केट के रिस्क ट्रांसफर प्लेटफॉर्म फ्रॉम एक्चुअल यूजर्स टू ट्रेडर एंड स्पेकुलेटर्स हेल्प्स हेजर टू कंसिडर एंड कोर एक्टिविटीज। या डेफिनेटली हमने इसका एग्जांपल इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हमने पिक्चर्स में देखा जहाँ पे फार्मर सोइंग के टाइम हार्वेस्टिंग
हार्वेस्टिंग पीरियड के जो कॉन्ट्रैक्ट सेल करके सेल करता है उसके चलते कहीं ना कहीं एक वो मैक्सिमम जो उसका एक्टिविटीज है यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए उसको उस एक्टिविटी में लगा रहता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्राइस जो है वो फिक्स हो चुका है। जब भी हार्वेस्टिंग करा उसका जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं पहले ही फिक्स करने के चलते है। उसका जो मेन एक्टिविटी है जहाँ पे वो फार्मिंग है, यील्ड को बढ़ाना है, फर्टिलाइजर इनसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड करना, वो उस एक्टिविटी में मैक्सिमम फोकस कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसका प्राइस तय हो चुका है। तो एक काफी अच्छा बेनिफिट है फ्यूचर मार्केट। लॉन्ग टर्म प्राइस सिग्नल हेल्प्स फार्मर टू डिसाइड क्रॉपिंग पैटर्न। यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक आगे के 4 to 3 to 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के आगे के कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखते हैं। उसके चलते कहीं ना कहीं फार्मर को एक प्राइस सिग्नल्स मिलते हैं जहाँ पे वो अपने क्रॉपिंग इफेक्टिव क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करके मैक्सिमम जो बोलते हैं मैक्सिमम अपनी आय को बढ़ा सकता है। कॉर्पोरेट मैनेजर टेक टू इन्वेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कवर द सेल एंड रॉ मटेरियल रिस्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस। या जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक्शन के प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आगे आगे जाने आने वाले टाइम में क्रॉप फेलियर की कोई न्यूज है, फ्लड लाइक वेदर कंडीशन में कुछ इश्यूज है, उसके चलते वो कहीं ना कहीं वो पहले से ही अपने जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रॉ मटेरियल को रिस्क को मिनिमाइज कवर करना वो पहले से ही ले सकता है। एंड डेफिनेटली गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आर्बिट्राजेस के लिए जहाँ पे वो दो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट का प्राइस डिफरेंशिएट है उसका बेनिफिट उठा सकता है। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस इन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिस का डेफिनेशन क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइसेस इज नोन एज अ बेसिस। बी ऑप्शन, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस। सी, फ्यूचर प्राइस इज मोर देन स्पॉट प्राइस। एंड डी, फ्यूचर प्राइस इज हायर देन फ्यूचर स्पॉट प्राइस इज हायर देन फ्यूचर प्राइस। तो बेसिस का डेफिनेशन है, तो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एज वेल एज फ्यूचर प्राइस का मतलब ही बेसिस है। सो इसका आंसर है ए। एक फ्लो है डिपॉजिट्स, कोई भी डिपॉजिट्स और सेलर है उसको गुड्स को सेल उसको गुड्स को एक्सचेंज एनसीसीएल वेयरहाउस में स्टॉक और डिलीवरी कैसे दे सकता है वो फ्लो है इसका, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीगेशन ऑफ गुड्स और सॉर्टिंग एज पर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जहाँ पे एक्सचेंज ने जो वेल सेट स्पेसिफिकेशन एज वेल एज पैकेजिंग के टर्म में उसको पैकेज करना पड़ेगा, उसके उसके बाद उसको ऑनलाइन स्पेस बुक करना पड़ेगा, देन अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट एंड वेयरहाउस लोकेशन एक्शन के अप्रूव वेयरहाउस में कहीं ना कहीं उसको जाके गुड्स को अनलोड करना पड़ेगा, देन वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग एज वेल एज सर्टिफिकेशन किया जा सकता है, जो कि पहले फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है जहाँ पे वो देख सकते हैं कि वो जो गुड्स है एज पर एक्शन क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, देन जनरेशन ऑफ रिसिप्ट जहाँ पे रिपोजिटरी का मेन रोल आता है, देन ये जो वंस इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट जनरेट है वो कहीं ना कहीं कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडेबल होती है। एक फ्लो है जहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर टू कमोडिटी एक्सचेंज में वो कैसे काम कर सकते हैं। अभी हम सेबी रेगुलेट सेबी जब जब से 2015 से आप जानते हैं कि सेबी ने ऑल कमोडिटी एक्सचेंज को रेगुलेट करना चालू किया, उसके बाद क्या ऐसे इनिशिएटिव लिया के थ्रू कमोडिटी एक्सचेंज को उसका फायदा हुआ। तो फर्स्ट है कि ऑप्शन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन दिया जहाँ पे काफी लंबे समय से डिमांड थी कि जो जो बेनिफिट कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में मिल रहा है कि जहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से काफी सारा फायदा है उनके इन्वेस्टर को मिला, तो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट में भी वो स्पेस मिले। तो काफी सालों से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की मांग थी, तो सेबी के आने बाद वो मांग पूरी हो गई है। अभी फिलहाल काफी सारे कमोडिटीज में ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ है। इम्प्लीमेंटेड सेम रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स एज पर इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव्स।
रिवाइज वेयरहाउसिंग नॉर्म्स फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव फॉर एग्रीकल्चर सेगमेंट, इंटीग्रेशन कर दिया कमोडिटी एज वेल एज इक्विटी एक्टिविटीज को, जहाँ पे सिंगल अम्ब्रेला थ्रू आप कमोडिटी एज वेल एज इक्विटी का अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं. परमिटेड फ्यूचर कमोडिटी इंडाइसेस, जहाँ पे फिलहाल एनसीडेक्स में एग्री इंडेक्स करके इंडाइसेस है, जहाँ पे आप 10 कमोडिटीज के रिप्रेजेंट करता है, आप वो इजिबल ट्रेडेबल है. परमिशन ऑफ ऑप्शन इन गुड्स, स्टैगर डिलीवरी जो पहले 10 दिन का था उसको रिड्यूस करके 5 दिन का कर दिया. एज वेल एज परमिशन परमिटेड द म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी 3 ईएफईज इलिजिबल फॉरेन एंटिटीज, एज वेल एज पोर्टफोलियो मैनेजर को अलाउ किया कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए. कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक विंडो ओपन किया है कि जो जो ये जो प्लेयर्स है कहीं ना कहीं इक्विटी में काफी सारे बड़े क्वांटम में ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कमोडिटी स्पेस में भी उनको अलाउ कर दिया. एंड लास्ट अलाइनमेंट ऑफ ट्रेडिंग लॉट एज वेल एज डिलीवरी लॉट. अभी एक कुछ है इन्वेस्टर गाइडलाइंस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डूज एंड डोंट. डूज की बात करेंगे तो आप ट्रेड थ्रू ट्रेड ओनली थ्रू सेबी रजिस्टर्ड मेंबर थ्रू ट्रेड कीजिए. इंसिस्ट ऑफ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, ऑलवेज कंप्लेंट विथ केवाईसी नॉर्म्स, ऑलवेज कोट योर यूनिक क्लाइंट कोड, और अपने ब्रोकर से इंसिस्ट कीजिए कॉन्ट्रैक्ट नोट का फॉर एवरी ट्रेड एंड सेटलमेंट, एंड क्रॉस चेक द ट्रेड जर्नीज थ्रू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटीज. डू नॉट मे आप डोंट गेट कैरिड अवे बाय लरिंग अलूरिंग एडवर्टाइजमेंट रूमर्स हॉट टिप्स और प्रोमिस रिटर्न के, उसमें आप बिलीव नहीं करना चाहिए. डोंट एक्सेप्ट अनसाइन और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट. डोंट लेट रिस्क अगेंस्ट पोजिशन एक्टिवेट बाई ऑन योर कैपेसिटी. डोंट शेयर योर इंटरनेट ट्रेडिंग पासवर्ड्स. डोंट पे ब्रोकरेज एक्सेस ऑफ रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द एक्सचेंज. उसके अलावा डोंट एंटर अश्योर रिटर्न अरेंज विथ एनी मेंबर. डोंट फॉरगेट टू टेक नोट रिस्क इन्वॉल्वमेंट ट्रेडिंग. डोंट डू नॉट डिले पेमेंट एंड डिलीवरीज ऑफ कमोडिटीज टू मेंबर. एंड डोंट इशू चेक इन द नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन. डज में डूज में आप रजिस्टर मोबाइल आपका रजिस्टर मोबाइल एंड ईमेल आईडी आपको स्टॉक मेंबर के साथ रजिस्टर करना चाहिए, जिसके थ्रू आप टाइमली आपके ट्रेड के बारे में जानकारी मिल सके. इंसिस्ट ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम ब्रोकर. पे रिक्वायर्ड मार्जिन एज वेल एज एम2एम ऑन टाइम टू टाइम. पे कीप अवे फ्रॉम डब्बा ट्रेडिंग एंड गेट डिटेल्स ऑफ ब्रोकरेज फीस एंड चार्जेस बाय द मेंबर बिफोर ओपन ए अकाउंट. तो दीज आर द सम सेफगार्ड ऑफ इन्वेस्टर डूज एंड डोंट है. सो थैंक यू. ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है, तो किसी को कुछ क्वेरी है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन किसी को कुछ क्वेरी नहीं है तो हम उस सेशन को क्लोज कर सकते हैं. सो आई थिंक किसी को कुछ क्वेरी नहीं है. So once again, thanks for joining this awareness program. So thank you very much. Yeah, thank you.